लॉग एंड डेड बोले कितनी आएगी, टू। कैसे निकाला सर? अरे देखो तरीके से निकालते हैं। 100 क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 100 होता है। अरे सर हम तो ऐसे नहीं लिखेंगे, हम तो 10 × 10 लिखेंगे। 100 को क्या लिखेंगे? 10 × 10 लिखेंगे। लिख लो भैया आपकी मर्जी। तो log 10 + log 10 हो जाएगा। अरे 10 × 10 लिखोगे 100 को, 10 × 10 लिखोगे क्या हो जाएगा? log 10 + log 10, log 10 + log 10, log 10 की वैल्यू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब कुछ कहेंगे सर हम तो इसको ऐसे लिखेंगे, log 10 raised to the power 2, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1, तो 2 × 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कुछ कहेंगे सर हम तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम तो इसको ऐसे लिखेंगे 50 × 2। कैसे लिखेंगे? 50 × 2 लिखेंगे। बहुत बढ़िया, ऐसे लिख लो भाई आपकी मर्जी। तो log 50 + log 2, log 50 + log 2। सर 50 को कैसे लिखे? अरे 50 के फिर से टुकड़े कर लो। 50 को कैसे लिखोगे? log 5 + log 10, 5 × 10 लिखोगे क्या? log 5 + log 10। log 5 की वैल्यू ये रही, log 10 की वैल्यू 1, तो 1.7 हो गया क्या? एक अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया? 1.7। और log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3। तो 1.7 + 0.3 2 ही आ गया। सर हम तो इसको ऐसे लिखेंगे 25 × 4। 100 को कैसे लिखेंगे? 25 × 4। वेरी गुड। तो क्या आंसर आएगा? log 25 + log 4 हो जाएगा। वेरी गुड। अब सर 25 की वैल्यू नहीं पता? अरे नहीं पता तो आपको कन्फ्यूजन होना ही नहीं है ना। 25 को क्या लिखोगे? 5 raised to the power 2। तो log 5 raised to the power 2 + log 2 raised to the power 2, भाई 4 को 2 raised to the power 2 लिख सकते हैं। तो एक तो आ गया आपके पास 2 log 5 + क्या आया? 2 log 2। तो 2 × log 5 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1.4 आएगा, ठीक है। और 2 log 2 ये 0.6 आ जाएगा। तो 1.4 + 1.6 क्या आ गया? 2.0। कैसे भी करो कितना आना है आंसर? सेम ही आना है। तो देखो log 100 कितना आया? log 100 कितना आ गया? 2। log 1000 कितना आ गया? कितने जीरो है? 3। कैलकुलेट कर सकते हो? कर सकते हो, बहुत बढ़िया। अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो कर सकते हो। वेरी गुड, ठीक। ओके 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 ओके, समझ में गया। देखो रे, अब एक चीज़ देखना, log 10 की वैल्यू कितनी है? 1। और log 100 की वैल्यू कितनी है? 2। इससे आप एक कॉन्क्लूजन निकाल सकते हो क्या? कॉन्क्लूजन आप ये निकाल सकते हो कि 11 से लेके 99 तक जो लॉग की वैल्यूज़ होगी वो 1 और 2 के बीच में होगी, इन बिटवीन 1 और 2 होगी। देख लो, खुद देख लो। log 100 की 2 है और log 10 की कितनी है? 1 है। तो log 11 1 से ज़्यादा होगी और log 99 2 से कम होगी। तो जिस बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है, बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है सब की सब 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। मैं कह रहा हूँ आपको लर्न करना ही नहीं है रे, कुछ भी नहीं लर्न नहीं करना, एक दो बस इनको लर्न कर लेना, ठीक है। अब कहोगे सर बात तो ऐसे पार नहीं पड़ रही हमें, तो log 11 के बताओ। अब सर कहाँ से बता दें? सर को तो खुद को ही नहीं पता। सर कहाँ से बता दें log 11 की? सर को तो खुद को ही नहीं पता। हाँ एक बात है, मैं आपको अप्रोक्स आइडिया दे देता हूँ कि इसकी वैल्यू इसके आसपास आएगी। एक रेंज दे देता हूँ आपको, इस रेंज के आसपास आएगी। लेकिन उसके लिए आपको अगले वाली संख्या पे जाना पड़ेगा, अगले वाले नंबर पे जाना पड़ेगा। अगले वाला नंबर क्या है? जो अगले वाला नंबर है log 12 है। log 12 को क्या लिखते हो आप? 4 × 3, ये तो लिखते हो 4 × 3, 12 होता है। तो क्या करोगे? log 4 + log 3, log 4 + log 3 दोनों को ऐड किया आपने तो कितना आया? 9 7 ये आ गया 1.179, ठीक है। कितना आ गया? 1.179। और log 1 कितना है? 1.0। तो जो log 11 होगा, जो log 11 होगा वो होगा 1.041 अप्रोक्सीमेट, इसके आसपास होगा। एक बार आप कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आ रहा है क्या? देखो इससे तो कम आने वाला है, 1.1 से कम आने वाला है। 1.1 से क्या आने वाला है? कम आने वाला है, ठीक है। कर लोगे आप? अब log 13 की हमें नहीं पता,
log 14 की पता है, 14 कितनी होती है, log 2 प्लस log 7, log 2 प्लस log 7 दोनों को ऐड कर दो, ये आएगा आपके पास 1.155 आएगा, ठीक है 1.155, नहीं ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है इससे तो ज़्यादा आएगा, 1.155 नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आएगा। तो ध्यान रखना वो लोग 13 होगा वो 12 से तो ज़्यादा आएगा और 14 से कम आएगा, 12 से ज़्यादा आएगा 14 से आएगा कम आएगा, कर लोगे, बोल भी दो कर लोगे, वेरी गुड। जिनके टुकड़े नहीं हो सकते उनको क्या करोगे आप, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे जो नंबर्स आएंगे ना उनकी वैल्यू आपको गिवन होगी, ऐसे नंबर्स की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो फटाफट आप मुझे log 15 की, log 20 की, log 99 की, log 500 की, एक ही मिनट में वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो, तुरंत प्रभाव से वैल्यू कैलकुलेट करके आप मुझे बता दो, ठीक है जल्दी बताओ। चलो तो देखो भाई क्या किया आपने, log 15 के लिए क्या करा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा डायरेक्ट बता रहा हूँ, log 15 को क्या किया, 15 कहाँ गया, 5 × 3 लिखोगे, क्या लिखोगे 5 × 3, तो log 5 प्लस log 3, log 5 प्लस log 3 दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना, दोनों को ऐड कर देना, वैल्यू आ जाएगी log 20, सर 10 × 2 वेरी गुड, 10 × 2 वेरी गुड, क्या लिखोगे log 10 प्लस log 2, log 10 प्लस log 2 तो 1.3010 आएगा, 1.3010। सर 20 को तो 5 × 4 भी लिखते हैं, अरे क्या बात है, तो लिख दो log 5 प्लस log 4, log 5 प्लस log 4 वही आंसर आएगा, log 5 प्लस log 4 वही आंसर आएगा, ठीक है log 99, क्या बात है सर मज़े ले रहे हो, बहुत बढ़िया रे, क्या मज़े, 99 क्या लिखते हो, 11 × 9 तो log 11 प्लस log 9, log 9 की वैल्यू आपको पता है, log 11 की वैल्यू ये रही, बाकी और आप कैलकुलेटर से कन्फर्म कर लोगे, ऐड कर देना दोनों को, किसके आ जाएगी log 99 की वैल्यू आ जाएगी, log 500 बोल भी दो कर लोगे, सर कर लेंगे, log 5 प्लस log 100, हाँ सर log 5 प्लस log 100, log 100 की वैल्यू 2, log 5 की बोलो, log 5 की ये रही तो 2.699 आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 2.699 आ जाएगा, अरे किसी की भी निकवाले 999 की निकलवा ले, किसी की भी निकलवा ले, 1000 की निकलवा ले, निकाल सकते हो, बस रेंज आपको पता होनी चाहिए कि 100 चले कि 1000 की जो वैल्यूज आएगी वो 2 और 3 के बिटवीन आएगी, इन बिटवीन 2 और 3 आएगी, और 11 से लेके 100 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो 1 और 2 के बीच में आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये log की वैल्यूज़ तो थी वो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है, ठीक है भाई। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जो कर्व बनाना सिखाए थे मैंने आपको, ग्राफ बनाना सिखाए थे वो आपको आते हैं ही, ठीक है जल्दी से देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहला पॉइंट तो लिख लो, आप लिख लो रे खुद, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी, पहला यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट आर मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड इनवर्स रेस्पेक्टिवली, समझ गए, मतलब रेट की यूनिट ऑलवेज ये रहेगी, रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स होती है,
ओके पॉइंट नंबर टू क्या था? पॉइंट नंबर टू जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ठीक। पॉइंट नंबर थ्री बोलो क्या बोलो रे नहीं बोलोगे मत बोलो। हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डजंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब क्या है इसका आपको पता है? टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? 0.693/K1। इसमें टर्म में कहीं भी क्या नहीं आ रही है आपके पास, इनिशियल कंसंट्रेशन की टर्म नहीं आ रही, तो आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है टी हाफ वर्सेज ए नोट। ठीक है, तो आपने ग्राफ प्लॉट भी कर दिया। येलो सर आप तो हम एक्सपर्ट हो गए, क्या हो गए? एक्सपर्ट हो गए। येलो लाइन खींच दो, एक येलो। इस पॉइंट पे कैलकुलेट किया तो भी टी आफ इतनी आई, इतनी कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट किया तो भी इतनी आई। कंसंट्रेशन को कितना ही ले जाओ आप, टी आप हमेशा क्या रहेगी? टी आप हमेशा क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट ही रहेगी। तो इसका करो पर ऐसे हमने कहा ऐसे वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर फोर यहाँ पे एक पढ़ते हैं अपन, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ टाइम, इसको टाउ बोलते हैं। ठीक है, देखो रिलेशन क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू 1/K1 होता है, ध्यान रखना ये रिलेशन होता है, आपको ये पता ही होना चाहिए। टाउ इज इक्वल टू 1/K1 क्योंकि टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? 0.693/K1 होता है। ठीक है, ऐसे K1 की वैल्यू फाइंड करोगे आप तो K1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.693/T1/2। इस K1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? टाउ इज इक्वल टू 1/0.693 और ये टी आप कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 1/1 अब तो देखो पॉइंट को उठाओगे तो ऊपर 1000 लग जाएगा, 1000 में 693 का डिवाइड करोगे 693 से तो देखो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट 1 तो आएगा ही आएगा। तो इसका जो कैलकुलेट करोगे तो एक्यूरेट आएगी 1.44 × t½। इसको बोलते हैं टाउ बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे टाऊ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टाऊ बोलते हैं। टाऊ क्या है? एवरेज लाइफ। क्या है? एवरेज लाइफ। क्या होता है फॉर्मूला? 1.44 × t½। कई बार क्या पता क्या होता है एग्जाम में, क्या करता है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आपको हाफ लाइफ दे देता है किसकी? फर्स्ट ऑर्डर क्या देता है? हाफ लाइफ दे देता है। और क्या पूछ लेता है? एवरेज लाइफ पूछ लेता है। तो यहाँ से कैलकुलेट आप कर लोगे
वेरी गुड कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट, ग्राफ्स बना लेते हैं अपन। क्या बना लेते हैं? ग्राफ्स, ग्राफ्स बनाते हैं फटाफट। पहला ग्राफ बनाया मैंने ln a नॉट ओवर a नॉट माइनस x वर्सेस t, ठीक। दूसरा मैंने ग्राफ बनाया log a नॉट ओवर a नॉट माइनस x वर्सेस t, ठीक। तीसरा ग्राफ मैंने बनाया log a नॉट माइनस x वर्सेस t। चौथा ग्राफ मैंने बनाया log a नॉट वर्सेस t। बहुत हो गया, एक बार तो बना बना के देखते हैं अपन, ठीक है। पहले वाला ग्राफ देखो, आपको y एक्सिस पे तो कौन लेना है? पहले वाले को y एक्सिस पे, दूसरे वाले को x एक्सिस पे। पहले वाले को तो लेना है ln a नॉट ओवर a नॉट माइनस x, इधर क्या लेना है? t लेना है। तो आपको इक्वेशन क्या पता होनी चाहिए k1 t इज इक्वल टू ln a नॉट ओवर a नॉट माइनस x होता है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर लिख लो। एज वी नो ln a नॉट ओवर a नॉट माइनस का x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? के वन टी। ये पूरा का पूरा y, ये पूरा का पूरा x, ये क्या हो गया? m। इक्वेशन क्या है कि y इज इक्वल टू एम एक्स बना सकते हो। स्लोप क्या आएगा? के वन आ जाएगा। सेम log a नॉट ओवर a नॉट माइनस x इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री के वन टी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ये m है, ये x है, क्या गया? वाई इक्वल टू एम एक्स। इक्वेशन पता है ना आपको? के वन टी इज इक्वल टू सॉरी ये डिवाइड में आ जाएगा भाई, के वन ओवर 2.303 टी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एम, और ये क्या हो जाएगा? एक्स। स्लोप आ गया आपके पास ये वाला, वाई बराबर एम एक्स। दोनों ग्राफ कैसा बनेगा? ये वाला, दोनों के लिए ही ध्यान रखना, इसके लिए भी और इसके लिए। स्लोप की वैल्यू आप अलग अलग लिख लेना। ग्राफ नंबर थ्री कौन सा है? log a नॉट माइनस x वर्सेज t। देखो भाई, आपको पता है के वन टी इज इक्वल टू होता है 2.303 log a नॉट ओवर a नॉट माइनस x, ठीक है। क्या करना है इसको? एज इट इज रखो, ये चाहिए अपने को y एक्सिस पे, बाकी को उधर भेजो। तो log a नॉट ओवर a नॉट माइनस x इज इक्वल टू के वन ओवर 2.303 टी, ठीक। आप इसको खोल के लिख सकते हो क्या? log m बाई n, log m माइनस log n। तो log m माइनस का log n लिख सकते हो, इज इक्वल टू आ गया के वन ओवर 2.303 डॉट टी। क्या करो इसको? तो उधर ले जाओ और इसको उठा के इधर ले आओ। तो देखो क्या होगा, वाई एक्सिस पे यही चाहिए आपको। तो log a नॉट माइनस का x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का के वन ओवर 2.303 टी प्लस का log a नॉट। ध्यान रखना भाई, क्या किया मैंने? देखो, मैं इसको उठा के उधर ले गया तो ये प्लस का हो गया, और इसको उठा के इधर ले आया तो ये किसका हो गया? माइनस का। तो माइनस वाले को पहले लिख दिया, और ये आपका प्लस का था, प्लस का लिख दिया। ये आपको कहाँ चाहिए? वाई एक्सिस पे चाहिए।
ये कहाँ चाहिए आपको, एक्स एक्सिस चाहिए, ये क्या बच जाएगा एम, और ये प्लस में क्या आ गया सी, इक्वेशन क्या आ गई वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस की सी। बना दोगे, बना दो, बना दो, इधर क्या लिखोगे लॉग ए नॉट माइनस एक्स, इधर क्या लिखोगे टी, इक्वेशन क्या आ रही है माइनस का एम एक्स प्लस का सी, माइनस का एम एक्स प्लस का सी, तो थोड़ा नीचे से ये लो, ठीक। स्लोप क्या आ रहा है इसका, स्लोप बताओ, स्लोप बताओ माइनस का के वन ओवर 2.303, और ये क्या है इसका इंटरसेप्ट, क्या है इंटरसेप्ट, वैल्यू कितनी आ रही है लॉग ए नॉट, ठीक है लॉग ए नॉट। अब इसका तो खुद बना सकते हो, लॉग ए नॉट वर्सेस टी, लॉग ए नॉट वर्सेस टी, यहाँ से आएगा एक तिथि क्वेश्चन तो सेम रहेगी, बस इसको उठा के उधर भेज देना, इसको उठा के उधर भेज देना, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी, ये किसका ग्राफ बनेगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी, यहाँ जो एम होगा वो वही होगा के वन ओवर 2.303, और जो सी होगा वो होगा लॉग ए नॉट माइनस का एक्स, ठीक है। बना लोगे, करोगे, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक। अभी कितने पॉइंट हुए हैं, 5 पॉइंट हुए हैं, 2 पॉइंट और पढ़ने हैं अपने को, ठीक है, चलो तो ठीक है मिटाऊँ। वही छठा पॉइंट क्या, अब देखो ये तो मैंने नॉर्मल से ग्राफ बनाए, कोई सा भी ग्राफ आपको पूछ ले, कोई सा भी पूछ ले, एक भी ग्राफ आपको रटना नहीं है, देखो बुक में बहुत सारे ग्राफ बने हुए होंगे और शायद आपने आज तक छोड़ भी दिया होगा उनको, जिनकी कैपेसिटी इतनी थी अच्छी थी, जिन्होंने समझ लिया वो तो कर गए, जिन्होंने नहीं समझा वो मर गए एग्ज़ाम में, ग्राफ के चक्कर में मर गए, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है, जब अपन नेट का पढ़े तो आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, नेट में ऐसे कैसे क्वेश्चन आ रखा है, स्लोप देखे किसके वैल्यू पूछ रखी है, क्या क्या देखे क्या क्या पूछ रखा है, ठीक है। अभी पूछ रखा था एक ग्राफ बनाएगा इस इसके बीच में सेकंड ऑर्डर के लिए, तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ कौन सी होगी, ऐसे पूछा है, ठीक है। आगे देखो पॉइंट नंबर सिक्स, पॉइंट नंबर सिक्स, जैसे मैंने कहा था ना जो जीरो रिएक्शन होती है वो 100% कंप्लीट होने में 2t½ लेती है, तो ये कितना लेती है, क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है 100% होती है, वेरी गुड। जिनका भी आंसर हाँ है उनका आंसर बिल्कुल गलत है, जिनका भी आंसर हाँ है उनका आंसर बिल्कुल गलत है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हायर ऑर्डर रिएक्शन आर नेवर 100% कंप्लीट, लिख लेना भाई, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर नेवर कंप्लीट, नेवर 100% कंप्लीट, ध्यान रखना भाई, मैं आपको ये करके बताऊंगा, सेकंड ऑर्डर की नहीं करके बताऊंगा, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, 100% इज इक्वल टू 2.303 ओवर के वन लॉग ए नॉट ओवर ए नॉट माइनस का एक्स, ठीक, क्योंकि टी वन बाई टू इज इक्वल टू क्या आएगा 0.693 ओवर के वन, तो यहाँ से के वन की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा 0.693 ओवर टी वन बाई टू, तो इस के वन की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 100% इक्वल टू क्या आएगा 2.303 ओवर 0.693 इंटू टी वन बाई टू लॉग ए नॉट ओवर ए नॉट माइनस का एक्स, 400% कंप्लीशन क्या होगा, क्या होगा ए नॉट इज इक्वल टू 100 होना चाहिए और एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए, तो 100 माइनस 100 जीरो हो गया, ठीक है। किसी में भी आप जीरो की वैल्यू को डिवाइड करोगे, किसी को भी जीरो से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट आ जाएगी, तो जैसे आप कैलकुलेट करोगे ना 100% इज इक्वल टू आ जाएगा इनफाइनाइट टी हाफ, ध्यान रखना भाई 100% इज इक्वल टू क्या जाएगा इनफाइनाइट टी हाफ, सेम कहानी सेकेंड ऑर्डर में होगी एंड हायर ऑर्डर में भी यही होगा, रिलेशन क्या आएगा टी 100% इज इक्वल टू इनफाइनाइट
थर्टी हाफ आ जाएगा। कैलकुलेट आप कर लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अगला फटाफट मैं एक पॉइंट और बोल देता हूँ इसका, पीछे अपन भूल गए थे, जिसको विलहेल्मिक इक्वेशन, विलहेल्मिक इक्वेशन। ठीक है भाई, विलहेल्मिक इक्वेशन। तो देखो आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था के वन टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट ओवर ए नॉट माइनस का एक्स, ये पढ़ा था। ठीक है, क्या करते हैं अपन इसका, हम क्या करते हैं, देखो भाई ये क्या है, इसको मैं सी जीरो कह रहा हूँ, इसको क्या कह रहा हूँ मैं, सी टी कह रहा हूँ। सी जीरो क्या है, कंसंट्रेशन एट जीरो टाइम, और ये क्या है, कंसंट्रेशन एट टी टाइम। ये तो था ए नॉट माइनस एक्स, टी टाइम पे कंसंट्रेशन थी ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन टी इज इक्वल टू जीरो थी, तो जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन सी जीरो है। तो मैंने क्या लिखा इसको, एल एन सी जीरो ओवर सी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, के वन टी। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ भाई, एल एन सी टी ओवर सी जीरो इज इक्वल टू माइनस का के वन टी, लिख सकते हैं क्या, बोला लिख सकते हैं, नहीं पता तो मैं प्रूफ कर देता हूँ साइड में, देखो लिख सकते हैं इसको ऐसा। हमने क्या किया, एल एन सी जीरो ओवर सी टी था, ये था, मैं सी टी को ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा, एल एन सी टी के पावर माइनस वन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और सी जीरो को नीचे ले आया तो सी जीरो की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस वन। तो आप यहाँ से ऐसे कह सकते हो क्या, एल एन सी टी और सी जीरो की होल पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन। आपने पढ़ रखा है एल एन एक्स टू द एक्स रेस्ट टू द पावर एन, क्या होता है, पावर आ गया जाती है एन एल एन एक्स हो जाता है, यहाँ से पावर आ गया क्या हो जाएगा, माइनस का वन एल एन सी टी और सी जीरो। ठीक है, इधर माइनस आ गया येलो, इधर क्या आ गया, माइनस आ गया। अब इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, वहाँ से इसको मैंने प्रूफ कर दिया, ध्यान रखना। अब इसका करते हैं एन टी एल एन लेते हैं, क्या करते हैं एन टी एल एन कर लेते हैं, टेकिंग एन टी एल एन। जैसे एन टी एल एन लिया क्या होगा, जिसके पास एल एन होता है उसका तो एन टी एल एन लेने पर एल एन हट जाता है, और सामने वाला जो भी होता है इक्वल टू के उधर जो भी होता है वो ई की पावर में चला जाता है। ध्यान रखना, एन टी एल एन लेने पर एल एन तो हट जाता है और सामने वाला ई की पावर में चला जाता है। अगर आप एन टी लॉग लेते हो, एन टी लॉग लेते हो तो लॉग तो हट जाता है और सामने वाला कहाँ चला जाता है, टेन की पावर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, टेन की। एन टी लॉग में तो टेन की पावर में जाएगा सामने वाला, और एन टी एल एन में ई की पावर में जाएगा। क्या ले रहे हो, एन टी एल एन ले रहे हो, तो इसका तो एल एन हट गया, क्या आएगा, सी टी अपॉन सी जीरो इज इक्वल टू ये ई की पावर में चला जाएगा विद साइन माइनस का के वन टी। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, सी टी की निकालनी है, तो सी टी इक्वल टू क्या जाएगा, सी जीरो डॉट ई की पावर माइनस का के वन टी। बस यही आपकी आ गई क्या, विलहेल्मिक इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, विलहेल्मिक इक्वेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड। लास्ट पॉइंट इसका, इसका लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर एट, एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। पहला, All radioactive reactions are example of first order reaction. Examples of first order reaction. ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है ना, उनके लिए जो रेट की इक्वेशन आती है, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी log n जीरो ओवर एन टी। ये किसके सिमिलर है, सिमिलर है किसके, k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी log ए नॉट ओवर, या फिर आप कह सकते हो सी जीरो ओवर सी टी।
ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए थी, ये किसके लिए है? रेडियो एक्टिव रिएक्शन के लिए। इसको आप क्या कहते थे? इसको रेट कॉन्स्टेंट कहते थे। इसको क्या कहते हो आप? डीके कॉन्स्टेंट। क्या कहते हो? डीके कॉन्स्टेंट। क्या कहते हो? डीके कॉन्स्टेंट। इसको अपन कह देते हैं, बस ये इक्वेशन आपको फॉलो करनी है। ये तो अपन फर्स्ट ऑर्डर में फॉलो कर रहे थे, और अगर रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की बात करते हैं तो आपको ये फॉलो करनी है। ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम टी है। तो एक एग्जांपल तो हो गया, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एग्जांपल देख लो, एक दो एग्जांपल और देख लो, फिर बस अपन इसको ख़त्म करते हैं भाई, ठीक है? चलो तो एग्जांपल देखो, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे सेकंड ऑर्डर को पढ़ने के बाद में एक साथ ही करेंगे, ठीक है? ओके, एग्जांपल्स लिखो आप, एक लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। दूसरा एग्जांपल लिख लो आप, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। लिख दो N2O5, यहाँ पे थर्मल का साइन क्या बनता है? यह बनता है आपका N2O4 प्लस हाफ O2। क्या बनाता है? N2O4 प्लस हाफ O2, ठीक है? और जो एग्जांपल्स हैं वो आप चाहो तो अपनी बुक में से देख के लिख सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स जो और हैं आप अपनी बुक में से देख के लिख सकते हो। मेरी तरफ से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। बात आती है न्यूमेरिकल्स की, उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल हम एक साथ ही कर लेंगे फिर, ठीक है? एक साथ ही अपन न्यूमेरिकल कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर गया, जीरो ऑर्डर गया, सेकंड ऑर्डर को पढ़ के एक साथ ही तीनों के न्यूमेरिकल अपन कर लेंगे। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, कर लोगे, वेरी गुड, ठीक है? तो आप इसको पॉज करके उतार लो, फिर अपन पढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, फिर अपन पढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। जो विलहेल्मिक वाला है उसकी आप स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, विलहेल्मिक इक्वेशन आप चेक, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ठीक है भाई? ओके, तो देखो अब अपन पढ़ते हैं, उससे पहले अपन ने सेकंड ऑर्डर खत्म, फर्स्ट ऑर्डर खत्म कर ली थी, पढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? इससे पहले अपन ने जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर खत्म कर ली थी, अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? आप क्या कहते हो? रेट लो में जो पावर होती है रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, उसका सम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है? तो इसके सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। और इसमें दो केस आपके पास बनेंगे, एक वो केस जिसमें दो रिएक्टेंट होंगे वो सेम टाइप के होंगे, और दूसरा केस जिसमें दोनों रिएक्टेंट क्या होंगे? डिफरेंट टाइप के होंगे। अपन दोनों केस पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू the rate of the reaction is proportional to the rate of the reaction is proportional to the second power of the second power of the concentration of the reactant, concentration of the reactant, ठीक है? इसकी क्या है? डेफिनेशन है। अब अपन इसमें दो केस लेके चलते हैं। केस फर्स्ट If both reactants are same, ठीक है? If both reactants are same, देखो सबसे पहला येलो, ठीक है भाई? सेकेंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं इसलिए टू रिएक्टेंट अपने ले लिए, ये प्रोडक्ट हो गया। इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानोगे? a नॉट
फाइनल कंसंट्रेशन जीरो। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, टाइम t इज इक्वल टू t सेकंड पे। अपने का कि इसमें से कितना चला गया, इसमें से x चला गया है ना। ठीक है, इस a नोट में से कितना डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया x, तो अपने मान लिया कि अब t टाइम पे ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, a नोट माइनस x, और ये क्या हो जाएगा आपका x फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो स्टोकियोमेट्रिक के रेस्पेक्ट में कटाएंगे। ठीक है, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तो डायरेक्ट इस टाइप से करेंगे, जो आपको अच्छा लगे कोई से टाइप से भी करो आप। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू रेट लो क्या बोलते हैं, जो रेट होती है आपकी वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू द पावर टू, यही तो है सेकेंड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने क्या किया, रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेस्ट टू द पावर टू, सेकेंड ऑर्डर की पावर क्या हो जाएगी टू। रेट को क्या लिखते हो, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है भाई, प्रोपोर्शनलिटी के साथ को उठाया तो एक कांस्टेंट लगा दिया के, सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसको क्या बोल दिया के टू। हमने क्या कहा था, इस इनिशियल कंसंट्रेशन ए को अपन टाइम टी वाली कंसंट्रेशन नोट लिखते हैं, तो आप इसको लिखोगे ए नोट माइनस एक्स, और इसकी पावर क्या लिखोगे टू लिखोगे। ठीक, अब मुझे बताओ ये जो इक्वेशन आई है आपके पास, ये जो इक्वेशन आपके पास आई है वो क्या है, देखो ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है क्या, ये क्या है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ध्यान रखना भाई, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है ये। ठीक है, के टू क्या है यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट कौन, के टू। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था आपको, मैंने ये कहा था कि इस के पास में जो भी होता है उसको उठा के नीचे ले आते हैं और डी टी को उठा के टू के पास में ले आते हैं। तो करो डी एक्स ओवर ए नोट माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टू डी टी। अब क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं इंटीग्रेशन। तो लिखोगे आप इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, अब मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ, अगर इंटीग्रेशन में आपको लिमिट गिवन होती है तो इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद में हम कोई कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, और अगर आपको लिमिट गिवन नहीं होती है कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है आपको, तो क्या करते हैं अपन इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद में कांस्टेंट लगाते हैं जिसको आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हो, फिर उसको उठा देते हैं अपने को काम का नहीं होता वो। ठीक है, तो अपने क्या किया, मैं इसके इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, देखना ध्यान से, वन अपॉन ए नोट माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू के टू, कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है भाई, अब देखो इसका तो टी हट जाएगा, और यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है, देखो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए नोट माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस का टू डी एक्स, बोलो देखो लिख सकते हैं क्या इसको, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको आप एक्स टू द पावर माइनस टू लिख सकते हो। ठीक है, इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हमने क्या किया, इसको अपन ऊपर ले गए, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, वन अपॉन एक्स का होता है, तो अपने क्या किया इसको ऐसे लिख लिया। अब आपको पता है एक्स की पावर एन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका जो सोल्यूशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ध्यान रखना, एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, एन के पावर। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, ये के टू बाहर है और ये डी। ठीक है भाई, अब देखो रे ये पूरा एक्स है, इसकी पावर कितनी है माइनस टू, तो एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, क्या लिखोगे एक्स की जगह क्या लिखोगे, ए नोट माइनस एक्स, ये तो पूरा एक्स हो गया आपको। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया एक्स, इसको एक्स मान लिया, इसकी पावर क्या है माइनस का टू प्लस का वन ओवर माइनस का टू प्लस का वन। ठीक है, इज इक्वल टू ये के टू और डी टी क्या हो जाएगा टी प्लस का सी, इसको जब आप लिखोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, ए नोट माइनस एक्स की पावर माइनस वन ओवर माइनस वन,
हो जाएगा ऐसा, होगा कि नहीं होगा? अब देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, इस माइनस को तो, ये माइनस में तो आप कह रहा, और ये जो ऊपर देखो प्लस की पावर ऊपर माइनस वन नहीं चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना अभी, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर इसको माइनस एक्स की पावर माइनस टू लिखा था, तो ऐसे ही क्या किया, जो ऊपर था उसको नीचे ले आई, ये इसकी पावर क्या होगी, प्लस वन। ठीक है, अब ध्यान रखना, जैसे अपन ने फर्स्ट ऑर्डर में किया था, जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपको पास आएगा उसका डिफ्रेंशिएशन एक बार और करते हैं अपन। तो ए नॉट, देखो डी वाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ए नॉट ये तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा इसका, तो जीरो। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या आएगा, माइनस एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स तो क्या हो जाएगा, वन, और ये माइनस बचेगा, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो यहाँ से आएगा माइनस वन, और ये वाला माइनस वन, नीचे वाला माइनस वन, क्या हो जाएगा, प्लस वन। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ जाओ, यहाँ पे वन अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, ये प्लस का है, समझ में आ गया होगा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखो क्या हुआ, माइनस टू प्लस वन, ये तो आपका इस टाइप से बना, वन अपॉन ए नॉट माइनस एक्स हो गया, इसकी पावर देखो मैं आपको माइनस वन थी, नीचे आगे क्या हो गई, प्लस वन, और ये माइनस वन, क्योंकि यहाँ से आ रहा माइनस, ये माइनस ये वाला। अब मैंने क्या कहा, हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ए नॉट कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो, और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस वन, तो माइनस वन और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, ओके, आगे आपने लिख दिया के टू टी प्लस का सी, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर टू। अब बताओ क्या करते थे, सी क्या है यहाँ पे, सी क्या है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब बताओ अपने क्या कहा था, ये सी अपने काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, और हटाने के लिए क्या करते हैं, आपको बता रखा है, सी को हटाने के लिए क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो रे, जब टी इज इक्वल टू जीरो है, जब टी इज इक्वल टू जीरो है उस टाइम पे एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट करते हैं, इन वैल्यूज़ को अपन इक्वेशन टू में पुट करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, देखो वन अपॉन ए नॉट माइनस का जीरो, एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया, इज इक्वल टू के टू डॉट टी की जगह जीरो प्लस का सी, तो बोलो सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, वन अपॉन ए नॉट आ जाएगा क्या, देखो रे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन ए नॉट, इक्वेशन थ्री नहीं कहेंगे अपन, अपन डायरेक्ट कहते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इनटू इक्वेशन टू, यहाँ पे लिख देते हैं अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इनटू इनटू इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में अपन इस वैल्यू को पुट करते हैं, देन वी गेट क्या मिलता है हमें, देखते हैं क्या मिलता है, वैल्यू पुट करो, वन अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू टी प्लस वन अपॉन ए नॉट, यही तो है सी की वैल्यू, क्या है वन अपॉन ए नॉट, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो अपन ने क्या किया था, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, क्या करते हैं वेरिएबल सेपरेट करते हैं, ए नॉट वाले टर्म को ए नॉट के पास लिख लो, बचवी को एक तरफ लिख लो, तो मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ, देखो भाई वन अपॉन ए नॉट माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए नॉट, बोलो इसको उठा के इधर ले, तो क्या हो गया माइनस को वन अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा के टू टी, समझ में आया या नहीं आया, अगर आ गया तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो के टू टी इज इक्वल टू वन अपॉन ए नॉट माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए नॉट। ध्यान रखना भाई ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन का जवाब थ्री, ये इक्वेशन आपकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड रेट, हाँ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप इसको बोल सकते हो। दूसरी बात इसकी और फॉर्म होती है, ये इक्वेशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो वहाँ पे इसका यूज़ होगा, ग्राफ जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे इस इक्वेशन का यूज़ होगा, ठीक है इसलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ा है। अब इसकी दूसरी फॉर्म लिखते हैं अपन, ठीक है भाई देखो क्या कर सकते हैं अपन, एलसीएम ले लें, क्या आएगा एलसीएम ए नॉट इंटू
ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स से ए नॉट माइनस एक्स कटा, क्या बचेगा ए नॉट, मल्टीप्लाई करोगे वन से क्या आएगा ए नॉट माइनस, यहाँ पे ए नॉट से ए नॉट कटा क्या बचेगा ए नॉट माइनस का एक्स। अब ध्यान से देखो, ये ए नॉट प्लस का, ये ए नॉट माइनस का, दोनों मर जाएंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास के टू टी इज इक्वल टू, ऊपर तो क्या बचा एक्स ओवर, नीचे क्या बचा ए इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है, ए नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स बचा ये लो बस। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप के टू इज इक्वल टू वन ओवर टी डॉट एक्स ओवर ए इंटू ए नॉट माइनस एक्स ये लो बस बस। ये सब ये सारे जो फॉर्म हैं ये किसकी है, इंटीग्रेटेड रेट लो, ये क्या है इंटीग्रेटेड रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जैसे वो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन थी वैसे क्या है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, ये तो केस फर्स्ट के लिए हुआ है ऐसा, ठीक है, किसके लिए हुआ केस फर्स्ट के लिए। फॉर्मूला क्या आया के टू इज इक्वल टू वन ओवर टी एक्स ओवर ए नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स, ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए आपकी उसके लिए सेकंड ऑर्डर के फर्स्ट केस के लिए जब बोथ रिएक्टेंट कैसे हैं सेम होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कैलकुलेट करना अपने को, हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ, तो मैं इसको रफ कर दूँ एक बार, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, चलो अब देखते हैं हाफ लाइफ। जो हाफ लाइफ आप कैलकुलेट करोगे सेकंड ऑर्डर के लिए वो फर्स्ट केस से ही कैलकुलेट होगी भाई, सेकंड ऑर्डर से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा काम, आपको उससे कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। हाफ लाइफ क्या बताया था, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगी उसमें अपन क्या करते हैं टी की जगह तो टी हाफ पुट करते हैं और एक्स की जगह क्या करते हैं ए नॉट बाई टू वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। फॉर्म इक्वेशन थ्री बोल दो आप, एज वी नो बोलो के टू इज इक्वल टू वन ओवर टी ठीक एक्स ओवर ए नॉट इन टू ए नॉट माइनस का एक्स। देखो रे क्या करना है आपको, टी आप निकालना है ना, तो टी वन बाई टू इस टी को इधर ले वन बाई के टू डॉट एक्स का एक्स एज इट इज, सॉरी एक्स के क्या रखोगे ए नॉट बाई टू, तो आपने रखा x की जगह ए नॉट बाई टू ओवर नीचे आपका ए नॉट इंटू ए नॉट माइनस का ए नॉट बाई का टू, समझ में आ गया इतना, वेरी गुड। अब देखो एक में से आधा जाएगा, ये एक है ये आधा है, ठीक है, x के क्या पुट किया अपन ने ए नॉट बाई टू पुट कर दिया, तो ये पूरा ए नॉट है ये आधा ए नॉट है, ए नॉट माइनस ये एक में से आधा जाएगा क्या बचेगा आधा बचेगा ए नॉट बाई टू बचेगा, ऊपर ए नॉट बाई टू नीचे ए नॉट बाई टू क्या हो जाएंगे दोनों कट जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो क्या आएगा टी वन बाई टू इज इक्वल टू वन ओवर के टू डॉट ऊपर आपका बचा ए नॉट बाई टू नीचे आपका एक तो ए नॉट ये तो एज इट इज को छोड़ो ही मत और अंदर क्या बचा ए नॉट बाई टू ये दोनों आपस में मर गए कट गए, क्या बचा टी हाफ इज इक्वल टू वन अपॉन के टू ए नॉट बस वन अपॉन के टू ए नॉट। अब मुझे बताओ आप यहाँ से क्या कह सकते हो आप कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो हाफ लाइफ के क्या है, हाफ लाइफ के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हाफ लाइफ के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब बताओ जीरो ऑर्डर में क्या था, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी हाफ लाइफ की इनिशियल कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं कर रही थी और सेकंड ऑर्डर में क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। रेट की बात करते हैं तो रेट में जीरो ऑर्डर में तो इंडिपेंडेंट थी कंसंट्रेशन से रेट, फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट पावर की डिपेंडेंस थी प्रोपोर्शनल थी और सेकंड ऑर्डर में सेकंड पावर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब अपने इसके करेक्टरिस्टिक